सरकार की योजनाओं को किस तरह से अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगाते हैं, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में सौभाग्य योजना के तहत देखने को मिला। दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना के तहत देश भर में 4 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर उन्हें सहज बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना था, लेकिन मध्य प्रदेश में योजना की शुरुआत के साथ ही इसमें घोटाले की खबरों के बीच बैठी जांच ने कई अहम खुलासे कर दिए हैं। लगभग 1.5 साल से चल रही जांच पूरी हो गई है और बिजली महकमे के 80 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट लगभग तैयार है। शुरुआती आंकड़ों की माने तो लगभग 42 करोड़ की आर्थिक अनियमितता हुई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण के मंडला, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, सागर और सतना जिले में घोटाला। जांच में अकेले मंडला और डिंडोरी जिले में ही 25,000 से अधिक घरों में कनेक्शन नहीं पाए गए। सौभाग्य योजना के तहत पूर्व क्षेत्र में 7,26,000 घरों को रोशन बताया गया, जबकि हकीकत में करीब 40% घर इस योजना के दायरे से बाहर थे। सिर्फ कागजों में रोशन कर दिए गए लाखों घर, बिजली महकमे के 80 अधिकारी कर्मचारियों पर 42 करोड़ रुपए के हेर फेर का आरोप। हमारी जांच लगभग पूरी होने की स्थिति में है, जो जो जिले में हमारे कंप्लेंट्स हुए हैं, क्योंकि ये विस्तृत और व्यापक तौर पे हमें जांच करना था। फील्ड में जाके हज़ारों की संख्या में हमें कनेक्शन चेक करने थे और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क का भी चेकिंग करना था, तो ये हम चेक कर लिए हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड। हमारा जो फाइनल इंक्वायरी है वो कम्प्लीट होके हम जो दोषी अधिकारी हैं उन पर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिनके क्लियर हो काम, जिन्होंने वास्तव में काम किया, उनका कोई इश्यू नहीं है, उनका भी पेमेंट हो। तो जो भी हमारे परचेज ऑर्डर्स थे जो बहुत ही जो क्लीन है, उन सबको हमने अब बिलिंग में पहुंचा दिया है, तो उनका बिलिंग भी अब कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें जो फंड हमें एडिशनल लेना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो फंड लेके जो जिनके क्लियर हैं उनके पेमेंट हम करेंगे और जिनको पनिश करना है वो भी हम बहुत जल्दी करेंगे। अभी तक कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है? ये एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, ये बहुत सारा नंबर्स हैं, अभी मुझे जबानी नंबर से आगे हैं, देर आर काफी 3-4 जिलों के हैं अधिकारी। फिलहाल 6 जिलों की जांच लंबे समय बाद पूरी हो गई है। जांच के दायरे में फंसे और दोषी पाए गए 80 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट लगभग तैयार है और किसी भी दिन इन पर गाज गिर सकती है। 80 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई तो होगी ही, इसके साथ ही साथ बिजली महकमा इन पर FIR दर्ज कराने की कवायद में भी जुटा है। सूत्रों के मुताबिक रीवा जिले में भी इस योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसकी फिलहाल जांच जारी है। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।